ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ बर्तन लेकर रखे हुए थे 50,000 रुपए के, वो 25,000 के बर्तन बेचे फिर भी बिल पूरा नहीं हो रहा इनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नबीला भट्ट साहब चौक मारा वाला, जहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिलों के खिलाफ, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कि बिलों के खिलाफ आज यहाँ पर आज एहतजाज कर रहे हैं, कल वज़ीर आज़म ने जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने एक इजलास भी बुलाया, लेकिन उसके बाद कोई उसका हल या उसका कोई मवाद नहीं निकला, तो क्या समझ रही है, क्या करने जा रहे हैं? देखें पहली हुकूमतों ने क्या किया है, जो ये हुकूमत करेगी, इन्होंने कह दिया निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म ने कह दिया, वज़ीर आला ने कह दिया है कि जी मेरा ऐसी बंद कर दे। उनका ऐसी बंद करने से क्या होगा, और भी चीज़ों से बहुत महंगाई है, और चीज़ों की भी देखें, सिर्फ इनके ऐसी बंद करने के नहीं, जिनको फ्री यूनिट दी गए हैं, जो कमिश्नर है डिप्टी कमिश्नर है, इनको क्या पता बिजली आवाम के साथ क्या हो रहा है, अब इनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। हर बात पर यही कहते हैं कि आपको सब्र का, या इस वक्त आपको सब्र करना पड़ेगा, ये खुद लोग क्यों नहीं सब्र करते, इनमें सब्र नहीं है, इनमें सिर्फ यही सब्र है कि ये कुर्सी में आके बैठ जाए और आवाम को लेके ये उनको इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाएं, कुर्सी का खेल खेलें। महंगाई में, बिजली में, पेट्रोल में, हर जगह पे आग लगी हुई है, क्या इनको नहीं पता ये अपनी सिर्फ सियासत चमकाने में और कुर्सी का खेल खेलने में बस मसरूफ है। अच्छा मैडम, क्या आप समझती हैं कि पीडीएम की ये मुश्तरका, ये वज़ीर आज़म है, पीडीएम का मुश्तरका वज़ीर आज़म है, तो इनसे बड़ी उम्मीदें थी आवाम को भी और बाकी सियासी पार्टियों की भी, लेकिन कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। देखें बात सुने, वो एक हमारे हैं जी मिनिस्टर सनत के गोहरी जाद साहब, उन्होंने कहा है कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं बगैर तनख्वाह के काम करूँगा। क्या और लोगों में इतने सियासतदान गुजरे हैं, जो गुजर चुके हैं, जो अब हाल ही में गुजरे हैं, क्या ये लफ्ज़ नहीं कह रहे थे? जो तब्दीली सरकार थी, उस तब्दीली सरकार को कुछ तब्दीली लेके आनी चाहिए थी, क्या एक ही पर डिपेंड करता है? उस बंदे में इंसानियत है, क्या दूसरी निगरान हुकूमत जो बैठे हैं सारे, वज़ीर आज़म बैठा है जो, वज़ीर आला बैठे हैं जो, इनको नहीं है थोड़ी अकल कि हम भी तनख्वाहें ना लें, नहीं तनख्वाहें लें? क्या ये आवाम पे ही डिपेंड करता है कि वही मुश्किलात का सामना करें? इन लोगों पे भी करता है, इन लोगों के अंदर जज्बात ख़त्म हो चुके हैं, खून सफ़ेद हो चुका है, आवाम को इस्तेमाल करके ये लोग अपनी सियासतों को चमका रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, आपका जो एहतजाज है इसको कब तक जारी रखने का प्रोग्राम है? जब तक महकमे में ये बिजली के महकमों में फ्री मिनट्स ख़त्म नहीं किए जाते, टैक्सेस ख़त्म नहीं किए जाते, फजूल किस्म के जो टैक्सेस लगाए गए हैं, सिर्फ गरीब लोग जो बिजली का बिल आता है सिर्फ वो बिजली का बिल दे, तमाम टैक्सेस बंद किए जाएँ, इन्हीं आवाम के टैक्सेस की वजह से इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन खून किसका चूसा जाता है? आवाम का। मैडम इससे अगला पड़ाव, मतलब ये आज आप चौक मारा वाला एहतजाज करें, इससे इसके बाद किस जगह एहतजाज करें? इसके बाद मैं बिजली के दफ्तर के सामने एहतजाज करूंगी, वापडा के जो, मैं वापडा के दफ्तर के सामने सारे मैं रोड ब्लॉक कर दूंगी, मैं सारी आवाम को वहाँ लेके बैठूंगी, जिन जिनको ये बिजली के बिलों की प्रॉब्लम्स है मैं सभी को वहाँ लेके बैठूंगी। ये नहीं कि घरों में बैठे हुए सिर्फ एहतजाज नहीं होगा, जब तक ये सारे तहफ़ात पूरे नहीं होंगे तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका कितना बिल है? 43,000 आया हुआ भाई। क्या कहती हैं बिलों के वाले से, क्या कहती हैं? भाई हम तो नहीं भरे, पहले भी मैंने जला दिया, साड़ दिया पी, और मैं नहीं भर सकती। कितने अफराद हैं आप घर के? ये एक मेरी बेटी, यहाँ इधर ये मेरी बेटी है, ये मेरी अम्मी है, और मैं हूँ, ये तो गाँव में रहती, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। आपकी कितनी इनकम, कितनी आमदनी? कितनी आमदनी नहीं है, मैं खुद ही कमाती हूँ, मेरा साथ कोई नहीं, मैं अकेली। क्या ये बताएं क्या करते हैं ये, हर किसी का अपना पर्दा होता है, लेकिन इस वक्त तो अमीर आदमी भी परेशान है, अभी ये सिर्फ सियासतदान ही खुश हैं, वही बेफिक्र हैं, वही कहते हैं जी सब्र करो, वही कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने सब्र किया, उसको पता ही नहीं सब्र होता क्या है, महंगाई होती क्या है, उनको कुछ नहीं पता। हम मैडम के साथ हैं इंशाल्लाह, जब तक मैडम चलेगी हम भी मैडम के साथ चलेंगे, हम नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह भाई, जे इस महंगाई को ख़त्म करवा के बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम बोल रहा हूँ बिहाड़ी रोड 18 कसी से, यहाँ पे आप देख लें हमारा 26,000-30,000 रुपये बिल आया हुआ है, और ये गरीब से गरीब शख्स है, ये इसका 20,000 रुपये बिल आ गया। बोलो मलिक साहब, 20,000 रुपये बिल आ गया, तो किने करूँ मजदूरी वाले बंदे आए, बिल आ गया कहाँ से दूंगा? निके निके बच्चे ने 8,000-8,000 रुपया सा बिल भरे से पे, तो ये मेहरबानी थी मैंने साढ़े से भाई बिल साकू रियायत नाल भरो। अच्छा एक मिनट के, जो इन्होंने घर के अपनी बेटी के लिए बर्तन लेकर रखे हुए थे 50,000 रुपये के, वो 25,000 के बर्तन बेचे फिर भी बिल पूरा नहीं हो रहा इनका, नहीं हो रहा।